हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज आप जानते हैं, हम लोगों ने इधर विगत क्लासेस में फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पे बातें की थी। अब आज के क्लासेस में हम नई श्रृंखला को आगे करते हुए आरबीआई के बैंक और आरबीआई के कैसे फॉर्मेशन हुआ, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के साथ बैंकों की कैसे इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में हमने विगत क्लासेस में जान चुके थे। ठीक, आज हम बात करते हैं आरबीआई के फंक्शंस के बारे में। ठीक, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य क्या है? देखिए, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा को जारी करना। आरबीआई मुद्रा जारीकर्ता के रूप में जानी जाती है। जैसे किस तरह से कि आरबीआई का काम क्या है कि करेंसी को जारी करना और उनको विनिमय करना। पहला काम इसका क्या है आरबीआई का, कि करेंसी को क्या करना है, जारी करना है और इसका विनिमय करना है। ठीक, साथ ही साथ इसका एक कार्य ये है कि जो करेंसी यूजफुल नहीं है, जो करेंसी बेकार हो गई है, पुराने जो नोट्स हैं आप देखते होंगे जो कि बेकार हो जाते हैं, परिचालन योग्य नहीं है, उन नोटों को, उन करेंसी को फिर ये डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि इन चीज़ों का एम क्या है कि जो पहचान उनको नष्ट कर देना। तो इस चीज़ का एम क्या हुआ? इस चीज़ का एम ये है कि लोगों को गुड क्वालिटी के नोट सिक्के जो हैं वो मिलें, क्वाइंस, नोट और क्वाइंस वो गुड क्वालिटी के मिलें। ठीक है, ये इसका मुख्य ध्येय है, मुख्य एम है। तो मतलब ये आप जान पाए कि ये आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा जारीकर्ता के रूप में आप जानते होंगे। अब यह है कि मुद्रा वो किस टाइप के नोट्स को जारी कर सकता है। जैसे नोट आप देखते होंगे वो एक रुपए से लेकर के 10 के, 20 के, 50 के, 100, 200, 500, 2000 तक के नोट्स होते हैं। ठीक, तो जो एक रुपए के नोट होते हैं, एक रुपए या उससे छोटे वैल्यू के जो नोट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम टोकन मनी कहते हैं। जो एक रुपए का नोट होता है, एक रुपए या उससे भी छोटे मूल्य के जो नोट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिक्के होते हैं, उनको हम कहते हैं टोकन मनी। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है आरबीआई नहीं, इसको जारी करता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जारी करता होता है। ठीक है, तो इसको आरबीआई नहीं जारी करता है, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीआई जारी नहीं करता है। आरबीआई को कितने रुपए तक का नोट जारी करने का अधिकार है? अगर देखा जाए तो आरबीआई 10,000 रुपए तक का नोट जो है वो जारी कर सकता है। ठीक है, और एक रुपए के नोट तो जारी करता है कौन? वित्त मंत्रालय। परंतु एक रुपए के नोट का जो चालन का कार्य है, चालन का कार्य वो कौन करता है? वो आरबीआई करता है। ध्यान दीजिएगा, एक रुपया या उससे छोटे मूल्य के जो नोट होते हैं उनको कौन जारी करता है? उनको वित्त मंत्रालय जारी करता है, न कि आरबीआई जारी करता है। और उसका नाम क्या है? टोकन मनी। 10,000 रुपये तक के नोट आरबीआई जारी कर सकता है, उसकी इतनी कैपेसिटी है। और एक रुपये के नोट के चालन का कार्य कौन करता है? चालन का कार्य कि मार्केट में कैसे वर्क करेगा उसको आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई का कुछ कार्य है जैसे कि वो विकासात्मक भूमिका में भी कार्य करता है। विकासात्मक भूमिका में कैसे? जैसे आप देखते होंगे कई गांव में भूमि बंद बैंक होते हैं, भूमि विकास बैंक होते हैं। ठीक है,
तो आरबीआई का कार्य जो है वो विकासात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य में आरबीआई की क्या भूमिका होती है कि आरबीआई, जैसे कि आप देखते होंगे कि भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, ठीक है, तो भूमि विकास बैंक का भी विकास जो होता है वो कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक। एक तो भूमि विकास हो गया, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भी बैंक का काम करता है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री, जैसे आईसीआईसीआई था, तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के अगर विकास के लिए अगर कोई बैंक बनाना हो, इसके विकास के लिए बैंक, तो वो कौन बनाएगा, वो भी आरबीआई डेवलप करता है औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए बैंक। दूसरी बात है कि आरबीआई वित्तीय क्षेत्र में प्रशिक्षण का भी कार्य करता है, वित्तीय प्रशिक्षण केंद्र, वित्तीय प्रशिक्षण केंद्र भी आरबीआई के कई चलते हैं, जहाँ पे कि फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है, फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर उनका होता है। दूसरी बात ये कि ये सरकार के लिए परामर्शदाता का भी कार्य करता है, ठीक है, सरकार के लिए परामर्शदाता, सरकार के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। किस किस सरकार के लिए, दोनों, चाहे वो केंद्र सरकार हो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और चाहे वो राज्य सरकार हो स्टेट गवर्नमेंट, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए क्या करता है, एक तरह से परामर्शदाता के रूप में ये कार्य करता है। दूसरी बात यह है कि ये सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, सरकार के एजेंट के रूप में कहाँ पे, जैसे आईएमएफ में, ठीक, तो सरकार का एजेंट कहाँ पे है, ये सरकार का एजेंट आईएमएफ, आईएमएफ में क्या करता है, ये सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ ये विदेशी वित्तीय लेन देन का जो पूरा का पूरा अधिकार है, वो पूरा का पूरा अधिकार आरबीआई के पास ही होता है, विदेशी वित्तीय लेन देन का अधिकार, जो विदेशी वित्तीय लेन देन का अधिकार भी किसके पास होता है, वो आरबीआई के पास है। तो आरबीआई एक भूमि विकास बैंक का जो इवोल्यूशन आप देखते होंगे, जहाँ पे लैंड को रख दिया जाता है रेवेन्यू के लिए, भूमि विकास बैंक, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए बैंक, वित्तीय प्रशिक्षण केंद्र हैं, सरकार के लिए परामर्शदाता, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, सरकार का एजेंट के रूप में कार्य करता है, आईएमएफ में अगर सरकार का पक्ष कौन रखता है, आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर जाते हैं वहाँ पे मीटिंग में, विदेशी वित्तीय लेन देन का अधिकार करता है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल मुद्रा का जारी करता ही नहीं है, साथ ही साथ उसके कई और भी कार्य हैं, ठीक। इन सभी चीज़ों को हमें जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आरबीआई के फंक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक। तो अब तक आपने ये समझा कि आरबीआई क्या करता है, क्या करता है कि 10,000 रुपये तक के नोट जारी करता है, 1 रुपये का नोट जो टोकन मनी कहलाता है या उससे कम जो वैल्यू की जो नोट्स होती है उसको जारी तो कौन करता है, वित्त मंत्रालय, परंतु उसके चालन का कार्य कौन करता है, वो आरबीआई करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई के बाद अब हम बात करते हैं कि भारत में जो तरलता प्रबंधन है, तरलता प्रबंधन आप समझते हैं, तरलता मतलब होता है लिक्विडिटी, इस टॉपिक पे आते हैं भारत। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में तरलता प्रबंधन। देखिए आरबीआई का जो मुख्य कार्य है ना, वो मुख्य कार्य क्या है, जो मार्केट और हमारे पास जनता और बाजार के पास जो पैसा है, मनी है, करेंसी है, हार्ड मनी है, ठीक, ये क्या है, लिक्विडिटी है, इसको इस तरह से कंट्रोल रखना कि ऐसा नहीं हो कि मार्केट में इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, महंगाई बहुत बढ़ जाए, ठीक है। तो आरबीआई का जो मुख्य कार्य है भारत में तरलता प्रबंधन, हम ये समझेंगे भारत में तरलता प्रबंधन। देखिए क्या है कि अर्थशास्त्री जो हैं क्या करते हैं कि अर्थशास्त्री रुपये या करेंसी को लिक्विड मांगते हैं, ठीक है। जो रुपया होता है या फिर आप उसे करेंसी कहिए, तो वो क्या है, यहाँ तक आ रहा होगा पूरा, ठीक।
तो रुपया और करेंसी जो है वो क्या है, लिक्विड है, तरल है, ठीक। और जो जमीन है वो क्या है, वो इनलिक्विड है, वो तरल नहीं है, वो क्या है, वो अचल, जिसे कहते हैं ना चल संपत्ति, अचल संपत्ति, वो इनलिक्विड है। तो करेंसी जो होती है वो क्या है, लिक्विडिटी होती है, करेंसी से लिक्विडिटी, उसको हम मतलब क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो जनता और ये, तो ये चीज हो गई एक चीज, ठीक। जनता और बाजार के पास क्या होती है, करेंसी होती है, मतलब लिक्विडिटी होती है, मतलब तरलता होती है। देखिए इतना क्लियर कष्ट कभी समझ में नहीं आएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आरबीआई का मुख्य फंक्शन, जो जितना चीज़ें देख रहे हैं इसके पीछे मुख्य फंक्शन क्या है। देखिए ये करेंसी जो लिक्विडिटी है, यहाँ तक आपकी पहुँच क्या है, आसानी है, आप अपने जेब में डालिए, देखिए आपके जेब में पैसे हैं तो वहाँ तक पहुँच ईजी है, और उससे कोई भी चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं, वो एकदम हार्ड है। तो जनता और बाजार तक करेंसी लिक्विडिटी है, और इसकी उपलब्धता या फिर इस तक अगर पहुंच देखिए तो ये क्या है, ये बहुत ही आसान है, इजी है, ठीक। आरबीआई का मुख्य टारगेट क्या है, आरबीआई का मुख्य टारगेट है कि समृद्धि भी बरकरार रहे और साथ ही साथ महंगाई भी मेंटेन रहे। देखिए अब यहां से समझने की बात है कि आरबीआई जो है, आरबीआई का मुख्य कार्य अगर देखा जाए, मुख्य कार्य क्या है, तो आरबीआई का मुख्य कार्य यह है कि एक तो भाई आपकी समृद्धि बरकरार रहे और साथ ही साथ क्या रहे, महंगाई नियंत्रित रहे, ठीक। महंगाई नियंत्रित रहे मतलब कि ये समृद्धि बरकरार रहने का मतलब ये मात्रात्मक है, मात्रात्मक। इसका मतलब क्या होगा, देखिए फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति के कमाई मान लीजिए 20 रुपये हो रही है, और कोई सामान वो खरीदने जा रहा है वो 20 रुपये का है, अगर उसकी दैनिक कमाई 40 रुपये की होती है और सामान की कीमत भी 40 रुपये हो जाती है, तो क्या उस व्यक्ति के जीवन की स्तर में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। इसको समझिएगा कि अगर वस्तु की कीमत डबल हो जाए और व्यक्तिगत आय अगर रुपए या फिर जो धन है या आय वो भी डबल है हुआ, मतलब इसके डबल होने के साथ साथ ये भी डबल हो जाए, तो क्या व्यक्ति के जीवन के स्तर में कोई परिवर्तन होगा, नहीं। यहाँ धन बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होगा, जितना धन बढ़ा वो धन क्या हो गया, सामान को परचेज करने में हो गया, उसका यूज जो मूलभूत आवश्यकताओं या जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए, जैसे अच्छा घर, अच्छे लिविंग स्टाइल के लिए, अच्छे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए वो नहीं निवेश कर सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये वस्तु की कीमत स्थिरता को ध्यान देना है, मतलब कि पैसा बढ़े, पैसा बढ़े, ठीक, परंतु वस्तु की कीमत में क्या हो, स्थिरता हो, वस्तु की कीमत में स्थिरता हो, पैसा बढ़ने के साथ साथ वस्तु की कीमत में स्थिरता हो। और ये क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पैसा बढ़े साथ में वस्तु कीमत में स्थिरता हो, तो इससे क्या होगा, इससे समृद्धि होगी, क्योंकि जो पैसा है फिर वो यूज हो पाएगा, ठीक है। तो मुख्य टारगेट ये है हमारा कि पैसा बढ़े, धन बढ़े वो चलेगा, तो वस्तु की कीमत में स्थिरता भी हो, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम जो पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं हम तरलता प्रबंधन, मुद्रा प्रबंधन, करेंसी प्रबंधन, ठीक है, ये सब मैनेजमेंट इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए आप क्या करोगे, इसी के लिए आप तरलता
या फिर कहिए मुद्रा, या फिर कहिए करेंसी, ठीक, इन सभी का क्या करोगे? प्रबंधन करोगे, प्रबंधन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अब हमको करनी है। तो कुल मिलाकर के आरबीआई का जो मुख्य कार्य है कि समृद्धि हो, समृद्धि हो कि मतलब ये पैसा बढ़े, वो पैसा आपके दैनिक लाइफ में यूजफुल हो, और क्यों? क्योंकि वस्तु की कीमत में स्थिरता बने रहे। ऐसा ना हो कि आपका धन बढ़े और धन के साथ वस्तु की कीमत भी बढ़ जाए, तो ऐसा होगा तो आपकी लाइफ स्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन के लिए आपको क्या है, समृद्धि के लिए आपको क्या है, वस्तु की कीमत में स्थिरता जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए जो हम मैनेजमेंट करते हैं वो तरलता प्रबंधन या मुद्रा या फिर करेंसी प्रबंधन करते हैं, ठीक। तो हमने ये चीज़ बताया कि लिक्विडिटी क्या होती है, इनलिक्विड क्या है, और ये जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी तभी आपके दैनिक जीवन में कार्य कर सकती है जबकि कीमत में स्थिरता हो, महंगाई में स्थिरता हो। आरबीआई का मुख्य कार्य यही है। अब इसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, कुछ उसके टूल्स होते हैं, कुछ जैसे गुणात्मक टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स, और कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, मतलब मात्रात्मक टूल्स, उपकरण होते हैं। तो अब उन पर हम चर्चा करते हैं। तो मात्रात्मक उपकरण के बारे में आप जानते हैं, CRR, SLR। अभी जब मैंने मौद्रिक नीति बताई थी तो मौद्रिक नीति में बताया था कि साल भर में 6 बार हर 2 महीने पे ये नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिवाइज करके लाई जाती है, जिसमें कि ये सभी टूल्स जैसे CRR है, SLR है, बैंक रेट है, MSF है, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी में परिवर्तन किया जाता है। इसके हिसाब से महंगाई को स्थिर किया जाता है, कीमतों में स्थिरता रखा जाता है। और मुख्य कार्य RBI का यही है कि मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करे, महंगाई में स्थिरता बरकरार रखे। ये RBI का क्या है, ये RBI का मुख्य कार्य है, ठीक। अब हम बात करते हैं CRR का। CRR मतलब नगद आरक्षित अनुपात। तो मात्रात्मक टूल्स की जब आप बात करेंगे, मात्रात्मक टूल्स RBI के मात्रात्मक क्वांटिटेटिव टूल्स, इसमें हम क्या बात करेंगे, पहली हम बात करेंगे CRR की। CRR को क्या कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात, दैट इज इंग्लिश में क्या होता है इसे, केस रिजर्व रेशियो, केस रिजर्व रेशियो, ठीक। क्या है ये, देखिए क्या होता है कि जो बैंकों के पास जो धन जमा होता है जिसे क्या कहते हैं, NDTL। तो बैंकों के पास वर्तमान में ये कितना है, भारत में, भारत में ये अभी कितना है, 3% है, ठीक है। जो बैंकों के पास जो धन होता है, दैट इज NDTL। NDTL का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इससे क्या समझते हैं आप, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी से? देखिए जैसे डिमांड लायबिलिटी, पहले आप डिमांड लायबिलिटी को हम समझ लेते हैं, ठीक। डिमांड लायबिलिटी, डिमांड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई बैंकों के पास करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट में साथ में सेविंग अकाउंट में जो धन जमा होता है, उस धन को लेने के लिए जनता कभी भी बैंक के पास आ सकती है, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि एक निश्चित समय पर पैसा लेने आ सकती है। तो ये क्या है, बैंकों के लिए डिमांड लायबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी है कि डिमांड पे उनको ये पैसा इसमें से जनता को देना है, ठीक। दूसरी बात ये होती है कि एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि एक वर्ष के लिए, इसे ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं, एक वर्ष के लिए जनरली ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। जनरली आप देखेंगे ये, मान लीजिए एक वर्ष के लिए, वन ईयर के लिए, वन ईयर का जब समय हो गया तो कभी भी वो व्यक्ति आएगा और जनता आ करके डिमांड करेगी पैसे के लिए, ठीक है। जैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ये क्या है कि ये है एक
ओवरड्यू कभी भी आप इसे मांग सकते हैं, बैंक के पास कभी भी जाकर के आप मांग सकते हैं। तो ये एक तरह से ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट है, ओवर ड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट है। और एक होता है रिकरेंट डिपॉजिट, रिकरेंट डिपॉजिट आरडी। ये क्या होता है कि इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम, और ये पर्टिकुलर टाइम जब कंप्लीट हो जाता है तो इस पर्टिकुलर टाइम के बाद कभी भी जनता आकर के पैसा लेने के लिए बैंक के पास आ जाती है। तो कुल मिलाकर के ये डिमांड है करंट अकाउंट के लिए, सेविंग अकाउंट के लिए, फिक्स डिपॉजिट के लिए और रिकरेंट डिपॉजिट में जो धन जमा है उसको एक निश्चित अवधि के पास जनता मांगने आ सकती है, एक निश्चित टाइम के पास। तो ये क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम, एक निश्चित अवधि के बाद जनता क्या है मांगेगी पैसा, उसकी जिम्मेदारी है बैंक की तो लो टाइम, ठीक। बट सरकार क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही वित्तीय संसाधन को कंट्रोल करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है कि जितना आपका ये है, इसको 60 में लिख दीजिए कासा, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, कासा हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया एक पर्टिकुलर टाइम पे और रिकरेंट डिपॉजिट था, इन सभी में जितना धन है इसका आप ऐसा करो कि इसका 3% हमारे पास ला कर चुपचाप जमा कर दो। आरबीआई कहती है कि आरबीआई के पास जमा कर दो, किस चीज़ का, किसका, एनडीटीएल का। देखिए इतना क्रिस्टल क्लियर कहीं पे भी आपको नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी क्लासेज में आप पढ़ेंगे इतना क्रिस्टल क्लियर आपको नहीं होगा, इसलिए एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आखिर इसका मैकेनिज्म है क्या, एनडीटीएल का नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का 3% आरबीआई के पास जमा कर देना है, ठीक। और ये प्रत्येक 15 दिन में इसका रिव्यू होता है, प्रत्येक 15 दिन में, हर 15 दिन में देखेंगे भाई कितना है उसका आप रिव्यू करके बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना है, इसी को आप सीएरआर कहते हैं। अब सीएरआर का एम क्या है, एम क्या था, ये तो आपको समझ गया कि सीएरआर है क्या, नगद आरक्षित अनुपात है, कैश रिजर्व रेशियो है, भारत में 3% है, बैंकों के पास जितना धन है उसका 3% हमको आरबीआई के पास भैया जमा कर देना। पर क्यों जमा करना है, इसका रीजन आपने सोचा है कि क्यों जमा कर देना है, या इसके चेंजिंग से क्या दिक्कतें या क्या प्लस क्या निगेटिव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। देखिए क्या होता है कि जब आरबीआई, चूंकि क्या है, आरबीआई जनता के पैसों का गारंटर है, ठीक, तो सीआरआर का मतलब एम क्या है, मतलब क्यों है, इसका औचित्य क्या है, औचित्य अगर पूछिए तो पहली बात क्या है कि आरबीआई क्या है, आरबीआई जनता का गारंटर है, अगर कल को बैंक करप्ट हो जाए, बैंक दिवालिया हो जाए, बैंक के पास पैसा ना रहे तो फिर क्या है, आरबीआई पैसा लौटाएगी लोगों को, तो इसके लिए ये आरबीआई 13% धन अपने पास रखती है। मान लीजिए 100 रुपया जमा है, आपने 100 रुपया जमा किया तो 100 रुपये का 3 रुपया तुरंत आरबीआई के पास चली जाएगा, ठीक। ये जो 3 रुपया चला जाएगा इसी को हम क्या कहेंगे, सीआरआर करेंगे, वर्तमान में यही हो रहा है। दूसरी बात, बाजार में जो धन है, आपको मैंने कहा था बाजार में जो धन है वो क्या है, वो लिक्विड है, जनता के पास जो धन है वो क्या है, वो लिक्विड है। तो बाजार में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, बाजार में धन को हम बढ़ा सकते हैं और उसको निचोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इस हिसाब से क्या होता है, बाजार में महंगाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, लिक्विडिटी को कंट्रोल करके, लिक्विडिटी को कंट्रोल करके। और ये क्या होता है, ये आपका किसके द्वारा होता है, सीआरआर के द्वारा होता है। सीआरआर बढ़ा दिया, 3% कर दिया, ठीक भाई, 3 से 5% कर दिया, तो पता चला 72-80 हज़ार करोड़ रुपया तुरंत आरबीआई के पास बैंक से आ जाएगा, जो मार्केट में जो पैसा गया, जो महंगाई को बढ़ा रहा है, वो तुरंत निचोड़ करके तुरंत ही आरबीआई के पास आ गया। दूसरी बात है, इसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है, दीर्घकालिक मतलब अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, लॉन्ग टर्म में तो क्या है, नकारात्मक प्रभाव होता है। नकारात्मक प्रभाव क्या होता है बताइए, सोचिए क्या हो सकता है नकारात्मक प्रभाव। देखिए अगर नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि अगर मान लीजिए सीआरआर 4% है, फॉर एग्जांपल कि सीआरआर आपका कितना है 4%, और इसको बढ़ा करके इंक्रीज कर दिया जाए, और इंक्रीज करके इसको 5% कर दिया जाए, क्या होगा,
इसका रिजल्ट यह होगा कि 72 से 80 हजार करोड़ रुपया तुरंत आरबीआई के पास आ जाएगा। मान लीजिए 72 से 80 कितना हजार करोड़ आरबीआई के पास चला गया। ठीक, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट देखिए, इसका इफेक्ट दो इफेक्ट होगा। एक तो इफेक्ट होगा बैंक के ऊपर। बैंक के ऊपर क्या होगा कि एसबीआई के जो चीफ थे उन्होंने ये कहा था कि इससे बैंक की उत्पादकता कम होती है, उत्पादकता कम होती। क्यों भाई? बैंक का मेन मोटिव क्या है? बैंक का मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। बैंक को अगर आपने पैसा जमा किया 100 रुपया तो बैंक को तो इस पर ब्याज देना है ना, तो वो बैंक ब्याज कहाँ से लाएगा? जो आपको ब्याज देगा आपके जो भी NDTL है, आपका सेविंग अकाउंट है, क्या है फिर फिक्स डिपॉजिट, उस पर ब्याज कहाँ से देगा? तो जब पैसा कमाएगा तब ना, वो तो 3 रुपया ले जाके RBI के पास रख दिया, उस पर तो उसे कोई पैसा मिल नहीं रहा है। तो बैंक की उत्पादकता क्या होती है? कम होती है। ये इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ध्यान समझिएगा। दूसरी बात, इसका एक पक्ष और है कि RBI इस पैसे से जो लाभ कमाती है, RBI जो लाभ कमाएगी, लाभ कमाती है, वो RBI क्या करती है, तुरंत क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या याद करती है, जो गरीब कल्याणकारी जो वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करती है, सरकार खर्च कर लेती है। सरकार का तो अपना मोटिव हो जाता है, कार्य सही करती है कर सरकार, ठीक, बट क्या होता है, बैंकों की उत्पादकता में कमी आती है, ऐसा बैंकों का कहना है। तो CRR आपको समझ में आया, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, इसका मतलब यही होता है कि RBI चूंकि की गारंटर है जनता की, तो कल को पैसों का लॉस हो जाए, कल को पैसे बैंक करप्ट हो जाए, और जनता को जो पैसा लौटाना है वो उनको लौटाने में बैंक अक्षम न हो जाए, सक्षम न रहे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए गारंटर बैंकों को वो पैसा देती है बाय दिस, ठीक। और इससे क्या है कि बाजार में धन की बड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है, घटोतरी की जा सकती है। इसका दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव मैंने आपको बैंक पे भी बताया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो लाभ होता है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो NDTL है, NDTL आपको समझ में आया ना, NDTL क्या होता है? NDTL क्या होता है? देखिए NDTL, देखिए इसमें NDTL में जो डिमांड है, डिमांड किसका, डिमांड में आपकी कुछ ही चीज़ें आती हैं। एक आता है करेंट अकाउंट, एक आता है सेविंग अकाउंट, एक आता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है रिकरेंट डिपॉजिट, मतलब ठीक रिकरेंट डिपॉजिट और ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट ये। और टाइम लायबिलिटी का मतलब, टाइम लायबिलिटी का मतलब कि भैया एक फिक्स टाइम के बाद आपको जो क्या करना है, पैसा को लौटाना है, ये क्या है, ये टाइम लायबिलिटी है और ये डिमांड है। तो NDTL का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि CRR का इम्पैक्ट क्या होगा, महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगा। भाई जी CRR बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, कभी सोचा है आप लोगों ने? देखिए अगर CRR इंक्रीज किया जाता है तो उससे क्या होता है, बैंक के पास उधार देने के लिए धन की कमी हो जाती है, ठीक। क्या हुआ कि जब CRR बढ़ाते हैं तो बैंक के पास क्या होता है, उधार देने के लिए धन की कमी, जब धन की कमी हो जाएगी और जनता काफी इकट्ठा हो जाएगी कि बैंक के पास धन लेने के लिए, तो बैंक क्या करेगी, बैंक एक ही काम करेगी, बैंक ब्याज दर को बढ़ा देगी। ब्याज दर क्या हो गया, बढ़ गया। जब ब्याज दर बढ़ गया तब फिर क्या हो गया, लोगों में मनोबल कम होता है, लोगों में मनोबल कम हो जाएगा, जनता का मनोबल कम। अब जब जनता का मनोबल कम हो जाएगा तो मांग कम हो जाएगी, जब मांग कम हो जाएगी तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, वस्तु की कीमत ये भी कम हो जाएगी, और जब वस्तु की कीमत कम हो जाएगी देन फाइनली
क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगा। अरे भाई मान लीजिए बीच में प्याज और लहसुन टमाटर सबका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो कहा गया ना भाई महंगाई बढ़ रही है, और RBI का टारगेट है 2% से ना हमें कम लाना है और 6% से ना हमें ज़्यादा लेके जाना है, 4% के रेंज में रखना है। तो इससे फिर क्या होगा, फाइनली महंगाई क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और हमारा मेन टारगेट क्या है, महंगाई को कम करना। RBI आपने CRR बढ़ा दिया था, ये सब कौन कर रहा है, ये सब कर रहा है RBI, नोट कर लीजिएगा, ठीक, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, यही आपका काम करना है कि RBI ने जब इस तरह का कार्य किया तो फिर क्या क्या उसका इम्पैक्ट आता गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं SLR की। SLR क्या है, SLR है सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक, इसको आप नोट कर लिए होंगे, मिटा दूं मैं, एक है SLR, SLR को क्या कहते हैं, वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात, ठीक, इसको कहते हैं वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात। ये क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए, ये वर्तमान में कितना है, हाँ वर्तमान में भारत में ये प्रेजेंट टाइम में कितना है, 18% है भारत में अभी के रेट में। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बैंक अपने पास NDTL का, NDTL आपको बताए दिए हैं, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का 18% रखते हैं। किस फॉर्म में रखते हैं, वहाँ पे तो डायरेक्ट नगद रूप में रखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे किस किस फॉर्म में रख सकते हैं, देखिए ये रखते हैं तीन फॉर्म में, देखिए एक तो मोस्ट कॉमन है, आप मान लीजिए धन के फॉर्म में रख लिया नगद, एक होता है स्वर्ण गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक, और एक होता है प्रतिभूति, प्रतिभूति किसे कहते हैं, सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखिए इसमें क्या है, इसमें और इसमें लाभ है, और बैंक का मुख्य कार्य क्या है, बैंक का मेन ध्येय क्या है, बैंक का मेन एम होता है प्रॉफिट, लाभ कमाना। तो इसमें देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी तो भी उसे लाभ है, कैसे, देखिए प्रतिभूति दो रूप में मिलती है बैंकों को, एक तो जो रेट उस पर लिखा रहता है उस पर कुछ ब्याज मिलता है, तो ब्याज के रूप में भी लाभ मिलता है, मान लीजिए 100 रुपये का अगर इन्होंने प्रतिभूति खरीदा तो उस पर पता चला 4% का ब्याज उनको मिल रहा है, 10% का, तो वो ब्याज से भी पैसे की आवत हो रही है। दूसरी बात, एक होता है डिस्काउंट, बट्टा लग करके मिलता है, बट्टा लग करके मतलब जैसे जैसे 100 रुपये की प्रतिभूति है और वो मिल कितने रही है आरबीआई से ये खरीदे कितने में, 80 रुपये में, तो कल को ये फिर खरीद लिए, अब ये बैंक के पास आ गया, कल को बैंक फिर जब RBI को बेचेगा तो उसे 100 रुपये मिल जाएगा, 80 रुपये में खरीदा है 100 रुपये मिल रहा है, तो इसमें कितना है 20 रुपये का क्या हो रहा है, 20 रुपये का लाभ, मतलब ये जो सिक्योरिटी है उस पर 100 रुपये लिखा रहेगा बट आपको मिलेगा कितना, मिलेगा 80 रुपये में, कल को जब आप इसको बेचने जाएंगे फिर से लौटाने जाएंगे तो आपको मिलेगा 100 रुपये, 20 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट में लाभ हो सकता है, ब्याज में, गोल्ड का क्या होता है कि भविष्य में हमेशा हो क्या होता है, भविष्य में गोल्ड का जो प्राइस है वो हमेशा वैल्यू बढ़ती है, तो उससे क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, तो प्रॉफिट जो होती है इस हिसाब से आप देखिए तो बैंक को प्रॉफिट है किससे, सिक्योरिटी से हो रही है या फिर गोल्ड से हो रही है, इन दो चीज़ों से बैंक को प्रॉफिट हो रही है, गोल्ड रूप में या फिर प्रतिभूति रूप में, बाकी धन के रूप में रखने पे तो कोई प्रॉफिट हो नहीं रही है, ठीक है। तो बैंक का मुख्य टारगेट क्या है, बैंक का मुख्य टारगेट है कि वो प्रॉफिट को कमाना, और प्रॉफिट कैसे से कमा सकता है,
या तो स्वर्ण के रूप में या फिर प्रतिभूति के। देखिए बहुत सिंपल में आपको मैं बता रहा हूँ, इतना सिंपल में कहीं आपको मिलेगा नहीं। और जितना क्रिस्टल क्लियर है इसको आप ध्यान से समझिए। अभी बहुत ईजी लगता है, अगर इसको ध्यान से नहीं समझ करके नोट डाउन नहीं करते हुए कार्य करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो चीज़ें किताबों में इतनी उलझी हुई लिखी हैं कि आप फिर कन्फ्यूज रहेंगे। ओके, तो ये SLR जो स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात है, वो क्या है 18% भारत का। और उसमें क्या है कि बैंक अपने पास रखती है NDTL का 18%, मतलब आपने 100 रुपये जमा किया तो 18 रुपये क्या होता है बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। अब वो 18 रुपया या तो प्रतिभूति के फॉर्म में रखें या फिर वो स्वर्ण के फॉर्म में रखें, ठीक है, या फिर ऐसे। तो आप ये बताइए SLR और CRR में आपने अंतर क्या पाया, क्या अंतर, अगर आपको कह दूँ कि आप SLR और CRR में अंतर बताइए तो आप क्या इसमें क्या मतलब क्या आपको समझ में आएगा कि क्या अंतर है। देखिए CRR क्या है, CRR में आपको नगद रूप में रखना है, नगद रूप में, और ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या क्या है कि इसको RBI के पास रखना है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि इससे आपको कोई लाभ, बैंक को कोई लाभ होता है नहीं, इससे क्या होता है कि बैंक को कोई इसमें प्रॉफिट नहीं होती है, कोई इसमें उत्पादकता नहीं है, तो बैंक को नो प्रॉफिट, ठीक। SLR क्या है, SLR में क्या होता है कि ये आपको कई रूप में रख सकते हैं, ये नगद में भी रखा जा सकता है, स्वर्ण में भी रखा जा सकता है और प्रतिभूति के रूप में भी रखा जा सकता है, ठीक, ये तीन फॉर्म में रखा जा सकता है। दूसरा, ये बैंक अपने पास रखता है, बैंक अपने पास रखता है। क्या बैंक को इसमें कोई प्रॉफिट है, यहां पे बैंक को प्रॉफिट है, बैंक को प्रॉफिट है, ये तीन चीज, ये डिफरेंट है SLR और CRR में, ये मुख्यतः ये डिफरेंस है, ठीक। तो अब इससे आपको फायदा क्या हो, इससे मुख्य फायदा होता क्या है, देखिए क्या होता है कि जब RBI SLR को बढ़ाती है 18% करती है तो क्या होता है कि बाज़ार से पैसा खींच लेते हैं। मान लीजिए अगर करीब करीब 1000 करोड़ रुपया बाज़ार से खींच लिया गया, तो जब बाज़ार से जब खींच लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव, इसका दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव यहीं पड़ता है, मार्केट में पड़ता है। कैसे पड़ता है, रुकिए अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि SLR होता क्या है, भारत में उसकी रेट क्या है वर्तमान में, बैंक अपने पास रखती हैं, और CRR और SLR में आपको मुख्य अंतर समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर समझते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा सोचने या घबराने जैसा नहीं है, अगर आप इसको धीरे धीरे करते जाएंगे तो यह आपके लिए अभी के लिए अच्छा है, आगे के एग्जाम के लिए अच्छा है, इवन ये आपको मेंस तक में भी फायदा आएगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे केवल फैक्ट बेसिस में नहीं बताया जा रहा है, हम आपको डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट, और जब तक इकोनॉमिक्स डिटेल में नहीं समझेंगे ना आपको कभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं और आपको कभी चीज़ें आएंगी नहीं, ठीक। तो CRR जब बढ़ाते हैं तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप SLR बढ़ाते हैं तो क्या होगा, सपोज कीजिए ये आपका SLR है, SLR को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो SLR बढ़ा दिया तो क्या होगा, बैंक के पास क्या होगा, बैंक के पास उधार देने के लिए धन कम हो जाएगा, उधार देने, देखिए एकदम एक एक चीज इसीलिए लिखवा दे रहे हैं आपको क्योंकि धन की कमी हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं लेक्चर दे दूं और इसको नोट ना कराऊं तो आपको फिर आगे फिर जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, तो उधार देने के लिए धन की कमी हो जाएगी, ठीक। फिर क्या होगा, अचानक लोग बहुत इकट्ठा हो जाएं बैंक के पास पैसा लेने के लिए, तो बैंक क्या करेगी, बैंक क्या करेगी कि अपना ब्याज दर बढ़ा देगी, बैंक ब्याज दर में बढ़ोतरी कर देगी, जब ब्याज दर बढ़ जाएगा इंटरेस्ट रेट तब क्या होगा, तब ये होगा कि लोग कम जाएंगे, जनता का मनोबल कम हो जाएगा धन लेने के लिए, जनता का मनोबल कम होगा, और जब जनता का मनोबल कम हो जाएगा तब क्या होगा, मांग क्या हो जाएगी, डिमांड, डिमांड कम हो जाएगी, विल पावर कम हुआ, डिमांड कम हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, और जब डिमांड डिक्रीज हो गई, ठीक,
डिमांड डिक्रीज हो गई तो क्या वस्तु की कीमत वही रहेगी? नहीं, वस्तु की कीमत गिर जाएगी, वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। और जब वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तब फिर क्या होगा, फाइनली महंगाई जो होगी वो कम हो जाएगी। और हमारा मुख्य कार्य क्या है? हमारा मुख्य कार्य है महंगाई को कम करना। हमने SLR को बढ़ाया था और हमारा महंगाई कम हो गया, ठीक, यही काम RBI करती है, ठीक। तो जब भी आपका SLR और CRR दोनों बढ़े तो इसे किस टाइप की पॉलिसी कहेंगे, कौन सी मौद्रिक नीति कहेंगे? दैट इज हार्ड मनी पॉलिसी। जब भी ठीक है, आपका CRR को बढ़ा दिया जाए और SLR को बढ़ा दिया जाए और इस टाइप की जो पॉलिसी कही जाएगी दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहा जाएगा इसको, हार्ड मनी पॉलिसी, इसको हार्ड मनी पॉलिसी कहेंगे, ठीक है, एक कड़ी मौद्रिक नीति के रूप में इसको हम जानेंगे। अब बात करते हैं बैंक रेट की। बैंक रेट क्या होता है, यहाँ तक आपने समझ गए? आपको दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। देखिए अब क्या है, बैंक रेट की बात करते हैं। देखिए बुद्ध जो हैं, बुद्ध बहुत बड़े विचारक थे, ठीक, जैसे व्यय करना चाहिए, लोग कहते हैं आय रखिए व्यय मत कीजिए, तो बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने कहते थे नहीं व्यय करना चाहिए, ठीक। जैसे हम ही लोग हैं, आप रेंट पे कमरा लेकर के रहते हैं स्टूडेंट्स, या फिर लोग बहुत लोग बड़े बड़े घर में रहते हैं, अंबानी का घर देखिए बहुत बड़ा है, तो आप सोने पे खर्च करते हैं, मतलब स्लीपिंग पे कितना खर्च करते हैं, कोई रिक्शा वाला है फुटपाथ पे सो जाता है, कोई मतलब खेतों में ज़मीन पे खाट बिछा के सो गया, ठीक, और कोई है कि महल में सो रहा है, तो सोने का तो व्यय कर रहे हैं, बच्चा माँ के गर्भ में आया और जब तक मृत्यु हुई तब तक व्यय कर रहे हैं, एक्सपेंसर है तो जीवन है, जीवन खत्म व्यय खत्म, ठीक, तो व्यय का नाम जीवन है, जितना व्यय करेंगे उतना जीवन है, खाने में पीने में पढ़ने में कापी किताब खरीदने में इंटरनेट खरीदने में घूमने में फिरने में हर चीज़ में आपको व्यय करना। मितव्ययता का ये मतलब नहीं कंजूसी, मितव्ययता का मतलब है कि व्यय इस हिसाब से कीजिए कि धन का भी कुछ अर्जन हो, मतलब धन की उपयोगिता हो, धन इतने क्वांटिटी में कुछ सरप्लस हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि धन आपका लॉस में जा रहा है, ठीक, ये मितव्ययता है। तो व्यय जो है, व्यय से जीवन है, व्यय खत्म जीवन खत्म, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं बैंक रेट की। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट के बारे में बताइए, क्या आप लोग जानते हैं बैंक रेट वर्तमान में कितनी है? ये 4.25% है, ठीक। बैंक जो है वो क्या करती है कि RBI से उधार लेती है, उधार धन लेती है, जब उधार लेगी तो क्या करेगी, कुछ उसे ब्याज देना पड़ेगा, ठीक, किस चीज के लिए, दीर्घ कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, दीर्घकालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बैंक क्या करती है, उधार लेती है। तो जिस ब्याज पे RBI से उधार लेती है दीर्घकालिक आवश्यकता के लिए, तो RBI से जिस ब्याज पर धन लेती है उसको क्या कहता है, कॉल्ड एज बैंक रेट, ठीक, इसी को क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब इसमें कहते हैं कि कई बार इस बैंक रेट का डिफरेंस जो होता है वो बैंक एक दूसरे से भी ऋण लेने के लिए करते हैं, ठीक, बैंक जो है वो एक दूसरे से भी उधार लेते हैं, एक दूसरे से धन लेने में बैंक रेट का यूज क्या करते हैं, एज ए संदर्भ रेट, एज ए रेफरेंस रेट, संदर्भ रेट के रूप में लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मिबोर, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर बैंक दर बढ़ता है, सपोज कीजिए हमने आपको क्या बताया, बैंक को पैसा जरूरत है दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए, तो वो क्या करेगा, उधार ले लेगा, किससे भैया, अपने माई बाप से, उसका माई बाप कौन है,
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको उधार दे दिया, तो जिस ब्याज पे उसको उधार देगा उसको हम बैंक रेट कहते हैं। और बैंक एक दूसरे से भी धन लेते हैं तो उस बैंक रेट को संदर्भ रेट के रूप में यूज करते हैं, उससे भी उसे क्या कहते हैं, मिबोर कहते हैं जैसे। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ होता क्या है। होता यह है कि अगर बैंक रेट बड़ा, मतलब बैंक अपने माई बाप से ही पैसा ज़्यादा रेट में प्राप्त किया, अपने गॉडफादर से ज़्यादा रेट में पैसा प्राप्त किया, तो आपको फ्री में तो देगा नहीं, बैंक को भी क्या करेगा, बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अगर बैंक रेट की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीजमेंट हो गया, तो क्या हो गया, आरबीआई क्या करेगी, जब लोग धन लेने आएंगे बैंक क्या करेगी, बैंक को पैसा कमाना है। अब बैंक को पैसा कमाना है, बैंक ने आरबीआई से जिस ब्याज पे लिया वो ब्याज की वैल्यू क्या हो गई, वो ब्याज की वैल्यू बढ़ गई है। तो जब ब्याज की वैल्यू बढ़ गई मतलब बैंक रेट बढ़ गया है, तो बैंक रेट बढ़ गया है तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक क्या करेगी कि जनता से अगर धन लेने आएंगे तो ब्याज की दर को बढ़ा देगी, ब्याज की दर को बढ़ा देगी। जब ब्याज की दर बढ़ जाएगी ठीक, तो लोग क्या करेंगे, लोगों की मनोबल कम हो जाएगा, लोग कम से कम आएंगे पैसा लेने के लिए। लोगों का मनोबल कम हुआ, लोगों का मनोबल कम होगा तो फिर वस्तु की मांग कम होगी, मांग कम होगी तो फिर क्या होगा, वही कहानी, कीमत कम होगी। और जब कीमत कम हो जाएगी तो हमारा टारगेट कंप्लीट, मतलब हमारी महंगाई रेट कंट्रोल में आ जाएगी, महंगाई रेट कंट्रोल डिक्रीज हो जाएगी। हमारा मुख्य टारगेट यही था, हमने आपको बैंक रेट को बढ़ा दिया, महंगाई हमारी कंट्रोल हो गई, यही हमारा पूरा जो साइकिल था यही करना था ठीक है। अब इन सभी चीज़ों से आपको ये समझ आया कि चाहे वो CRR हो चाहे वो SLR हो ठीक, इन सभी चीज़ों को करके हमारा फाइनली क्या होता है, ये काम आप करेंगे, यही काम आपका CRR बढ़ाएंगे तो भी यही चीज़ होगी, SLR बढ़ाएंगे तो भी यही चीज़ होगी ठीक है। और अगर आपने बैंक रेट को बढ़ा दिया तो भी आपका यही चीज़ हो गया। देखिए क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट क्वांटिटी पूछ देता है कि वर्तमान में रेट क्या है, सबसे सिंपल क्वेश्चन ठीक है, तुच्छा टाइप का। पर अगर आपका वैसा पूछ दिया कि एकदम मुख्य मुद्दा पूछ दिया कि भाई आप ऐसा कीजिए कि हाईवी लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया, बच्चों लेवल का नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे पूछ सकता है। तो जब कॉन्सेप्ट टाइप बेसिस का पूछेगा तो फिर आपको अपना स्तर को बढ़ाना पड़ेगा ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो अब आप नेक्स्ट इसमें मुद्दा क्या आती है, अब हम इसमें बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट मुद्दा है ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन सोचिए आप लोग, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में आप लोग ने सुना है कभी, क्या होता है। देखिए एक एक चीज़ जो बताई जा रही है ना, वो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए और ध्यान से जानने की कोशिश कीजिए ठीक। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई बार कहती है कि भाई हमारी ये सरकारी प्रतिभूति है, इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहती है कि ये सरकारी प्रतिभूति है, ये सरकारी प्रतिभूति आपको लेना है, तो बैंकों से कहती है भाई आइए टेंडर भरिए, टेंडर हम रिलीज कर रहे हैं और ये आप प्रतिभूति आप खरीद सकते हैं ठीक। तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को बेचने के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करती है, टेंडर जारी करती है। और जो बैंक हैं, बैंक वो इन टेंडर को भरते हैं ठीक,
यहाँ तक समझ में आया? आरबीआई कही कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम बेचने जा रहे हैं, ये टेंडर हम इस डेट में जारी करेंगे। तो बैंक कहती है भाई सभी बैंक, मान लीजिए पीएनबी है, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है, एसबीआई है, ये सभी बैंक क्या करते हैं कि ये सभी बैंक इनका मतलब रिलीज करते हैं कि हाँ भैया हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। तो वो क्या करते हैं कि टेंडर को भरते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये एक दिन एक महीने में कई बार जारी की जा सकती है, ठीक है। तो ये एक दिन में या फिर एक माह में कई बार जारी की जा सकती है, एक दिन में या एक माह में कई बार जारी की जा सकती है क्या, सरकारी प्रतिभूति को बेचने की प्रक्रिया। तो ये जो सरकारी प्रतिभूति को जो बेचने की प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या करते हैं, इसी को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई जो ये सरकारी प्रतिभूति बेची और टेंडर के द्वारा ये भर करके, बैंक जो इन टेंडर को भर के और इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है, ये इस प्रक्रिया को किस प्रक्रिया से खरीदते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा ये खरीदते हैं। अच्छा, अब ये बताइए रिजर्व बैंक क्यों, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों खर्च करेगी, खरीदेगी, मान लीजिए उसके पास पैसा है। अब बैंक के पास क्या मुख्य उद्देश्य है भाई, बैंक के पास क्या उद्देश्य है, बैंक को क्या करना है, बैंक का मेन एम है कि भैया हम बैंक खोलें और हमें कमाना है प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट कमा सकती है भाई, बैंक के पास धन है, और धन को क्या करेगी, वो जनता को देगी, और जनता से उसे क्या मिलेगा इसके रिस्पेक्ट में, ब्याज मिलेगा। ठीक, क्योंकि जब ये ऋण देगी जनता को तो उससे ब्याज मिलेगा ना, तो वो सिक्योरिटीज़ को क्यों खरीदेगी, प्रतिभूति को क्यों खरीदेगी, इसका क्रय क्यों करेगी, सोचिए। ऐसा कभी आप लोगों ने सोचा है, ऐसा क्यों होगा, बैंक इसको क्रय करने के लिए क्यों होगी, क्यों? देखिए, अभी विगत समय में आपने देखा होगा कि कई बार बैंकों के पैसे डूब गए हैं, एनपीए में कन्वर्ट हो गए हैं, उनका रिकवरी नहीं हुआ है। तो कभी कभी इन पैसे का रिकवरी नहीं हो सकता है, लॉस हो सकता है। सिक्योरिटीज़ अगर खरीदती है बैंक, तो ये क्या है, ये किसकी सिक्योरिटी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है। और इसमें क्या है, देखिए जो जो चीज़ बताते जा रहे हैं उसको लिखते जाइएगा, ठीक है ना। एक तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज है, दूसरी बात है यहाँ गारंटी है। गारंटी किस बात की है कि भैया कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉफिट भी होगा और मूलधन भी मिलेगा। प्रॉफिट किस चीज़ में मिल सकता है, एक तो ये डिस्काउंट रेट पे मिलती है, एक चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट भी होता है, दो चीज़। तो दो वैल्यू में प्रॉफिट हो सकती है, गारंटी है कितना पैसा मिलेगा, तो इससे क्या होता है, ये फ़ायदा होता है। ठीक, इसीलिए बैंक जो है वो सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा अग्रसित होती हैं, ज़्यादा आकांक्षी होती हैं इन कंपेरिजन टू द धन जनता को देने से, क्योंकि धन देने पे क्या होता है, कई बार पैसा जो होता है उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। अब मान लीजिए, मान लो कि पीएनबी के पास, पंजाब नेशनल बैंक के पास पैसा आ जाता है, ठीक है, मान लो पंजाब नेशनल बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक के पास मान लीजिए 10-15 हज़ार करोड़ रुपया आ गया, तो 10 से 15 हज़ार करोड़, तो ये 10-15 हज़ार करोड़ रुपया किसी दिन में अगर जमा हो गया, तो इस 10-15 हज़ार करोड़ पे पीएनबी को ब्याज तो देना ही है ना भाई, जिस दिन से किसी ग्राहक ने पैसा जमा किया है उस पे उसको ब्याज तो देना ही है, डे ऑफ डिपॉजिट से, यहाँ पे इस डे ऑफ डिपॉजिट से इस पे इसको ब्याज देना है। तो पीएनबी क्या करेगी, पीएनबी करेगी, पीएनबी को धन चाहिए, ठीक, मैं ये कह रहा हूँ, समझिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि ये 10 से 15 हज़ार पे अगर ये डिपॉजिट हुआ और इस डिपॉजिट पे डे ऑफ डिपॉजिट से अगर ब्याज देना है, तो फिर वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, बैंक कोई भी, मान लीजिए पीएनबी है, एसबीआई है, कोई भी, तो बैंक क्या करेगी कि इस पैसे का यूज करेगी ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में, और क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को
आरबीआई से खरीद लेगी, परचेज कर लिया, क्रय कर लिया, खरीद लिया, और इस पे क्या मिलेगा उसे, बैंक को प्रॉफिट हो सकता है। किस रूप में हो सकता है, बताया था मैं आपको भी, दो रूप में हो सकता है, या तो उसको डिस्काउंट मिलेगा बट्टे पे, या फिर एक इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा, दो रूप में मिलेगा, ठीक। और आरबीआई क्या होता है, इस हिसाब से आरबीआई क्या करेगी कि आरबीआई ने एक तो लिक्विडिटी को सोख लिया, हाँ, महंगाई को कंट्रोल कर लिया, और पीएनबी को भी इस या फिर एसबीआई को भी जो पैसा पे डे ऑफ डिपॉजिट से जो उसको ब्याज देना था वो ब्याज भी उसे इस प्रॉफिट से मिल रहा है, तो दोनों तरफ से बैलेंस हो रहा है, हमारी महंगाई भी कंट्रोल हो रही है, ये भी हो रहा है। अब इसका एक उल्टा रूप हो सकता है, ये तो आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आ गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या हुआ, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचती है, उसके लिए टेंडर जारी करती है, बैंक इन टेंडर को भरती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे डिस्काउंट या इंटरेस्ट रेट के रूप में प्रॉफिट होती है। इस प्रॉफिट को जिस दिन के से डिपॉजिट होती है, डे ऑफ डिपॉजिट से ग्राहकों को ब्याज देने में भी सहूलियत होती है बैंक को, साथ ही साथ बैंक को प्रॉफिट भी हो जाती है। और बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, बैंकों को नियमित रहना, जनता का गारंटर रहना, ठीक। तो और ये एक दिन या एक माह में कई बार जारी कर जा सकती थी, और ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करे कि इन जो प्रतिभूतियाँ हैं, इन प्रतिभूतियों को बैंक को लौटा दे। मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि ये जो प्रतिभूति है सरकारी, इन सरकारी प्रतिभूति को क्या करेगी कि भैया बैंक से कहेगी कि आप ऐसा करो, बैंक को लौटा दे कि ले जाओ, बैंक को लौटा दिए, बैंक से ले लिया, क्योंकि बैंक तो खरीदे थे, तो बैंक से ले लिया, तो जब बैंक से ले लिया प्रतिभूतियों को, बैंक से आरबीआई के पास आ गए, और आरबीआई इनको क्या देगी, तब आरबीआई इनको प्रॉफिट दे देगी। वो प्रॉफिट किस फॉर्म में हो सकता है, आपको बताए थे, दो फॉर्म में हो सकता है, या तो इंटरेस्ट के रूप में हो सकता है, और या फिर डिस्काउंट के रूप में हो सकता है। और इससे क्या होगा, इन दोनों से बैंक के पास क्या होगा, धन, लिक्विडिटी, आपको हम बता चुके हैं लिक्विडिटी क्या होती है, धन होती है, क्योंकि वो हमारे पास डायरेक्ट होती है, हम उसको डायरेक्ट उपलब्ध होती है खर्च करने के लिए, तरल फॉर्म में होती है। तो धन, बैंक के पास धन बढ़ गया, तो जब बैंक के पास धन बढ़ा, बैंक के पास पैसों की आवक बढ़ी, पैसों की आवत बढ़ गई, तो जब पैसों की आवत बढ़ी तो मतलब तरलता को बढ़ावा मिल गया, तो जब तरलता बढ़ी तो बैंक जनता को ऑफर करेगी कि भैया ऐसा करो, कम ब्याज दर पे तुम लोन ले जाओ, कम ब्याज दर पर लोन के लिए, ऋण के लिए, ईएमआई के लिए लोन और ऋण के लिए क्या करेगी, ऑफर करेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मतलब मैंने क्या किया, ब्याज की दर को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ब्याज की दर को कम कर देंगे तो इससे क्या होगा, जनता का मनोबल कम होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, जनता का मनोबल बढ़ेगा कि चलो भैया कम ब्याज पे धन मिल रहा है ले लो, उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जनता का मनोबल बढ़ेगा। जब जनता का मनोबल बढ़ गया तो जनता क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा धन लिया, ईएमआई पे, ऋण पे क्या होगा, वस्तु की मांग क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो जब वस्तु की मांग बढ़ेगी तो जायज बात है इससे दो चीज़ हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, वस्तु की मांग यहाँ तक बढ़ रही है, जब वस्तु की मांग बढ़ेगी तो इससे दो चीज़ हो सकती है, एक तो ये होगा चूंकि मांग बढ़ी है तो फैक्ट्री में क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा,
उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी मतलब रोजगार बढ़ेगा, एक तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है ना भाई। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि कीमत भी थोड़ा सा बढ़ जाए, डिमांड बढ़ता है तो कीमत बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो हो सकता है हल्का सा महंगाई भी बढ़ेगी। और वृद्धि के लिए कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत महंगाई जो होती है कुछ रेंज तक जरूरी है। जैसे आरबीआई का जो मुख्य कार्य क्या है, हमने आपको बताया था आरबीआई का जो मुख्य कार्य है कि इसको हम 2% से नीचे नहीं जाने देंगे और आपका 6% से ऊपर नहीं जाने देंगे, इसी के बेंच में हमें रखना है, ठीक है। मतलब 4% का रेंज जो है हमारा इसका मेंटेन रखना है, यह है इन्फ्लेशन का टारगेट है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परचेज करती है, और कल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ले लेती है और उनको अपना पैसा और साथ में प्रॉफिट्स जो होता है लौटा देती है, जब बैंकों के पास ये धन बढ़ जाता है तो बैंक क्या करेंगे, धन को प्रॉफिट कमाना है, उन धन बैंकों के पास पैसों की आवत बढ़ी, तरलता बढ़ी, तो बैंक कम ब्याज दर पर क्या लोन ऑफर करते हैं, जब लोन ऑफर करेंगे कम ब्याज दर पे तो ब्याज दर कम हुई तो जनता का मनोबल बढ़ेगा, जनता का मनोबल बढ़ेगा तो ईएमआई और ऋण पे वस्तु की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। कई बार क्या होता है मांग के साथ क्या क्या हो सकती है कि महंगाई भी बढ़ सकती है। तो यहाँ तक अभी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशन का उपयोग किस रूप में कर रही है, ये मिटा दें। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस लिए कर रही है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू जो का जो क्रय विक्रय हो रहा है उसके थ्रू जो पैसे का, ये मुख्यतः जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी और बैंकों से पैसा लेगी, तो ये जो आरबीआई कार्य कर रही है इनका क्रय विक्रय वो किस लिए कर रही है, विदेशी धन जो एफडीआई से जो धन आ रही है उसके उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए कर रही है, ठीक है ना। वर्तमान में मुख्य थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, अब यहीं रह गया है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ठीक। इससे क्या होता है बाजार की कीमत में स्थिरता आती है, सामान जो आप लेने जा रहे हैं मार्केट में उसमें क्या होता है स्थिरता आ जाती है, इससे ही होता है कि बाजार की कीमत में क्या आती है स्थिरता आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं रेपो रेट की, रेपो रेट क्या होता है, वर्तमान में कितना है, हाँ आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा आप पुराने को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलटिए, देखिए आपको मिलेगा रेपो रेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट कई बार उसका रेट ही पूछ देता है, प्रेजेंट टाइम कितना है रेपो रेट भारत में, अभी मौद्रिक नीति अभी आई थी तो रेपो रेट प्रेजेंट टाइम में ये जैसे 4.25 आपका क्या था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ था और रेपो रेट कितना है भारत में 4%, तो वर्तमान में ये तो भारत में आपका कितना है, इसकी वैल्यू है 4%। पहली चीज बैंक रेट क्या था, ये क्या है एक अल्पकालिक ऋण है जो कि आरबीआई से बैंक लेता है, अल्पकालिक कितना 1 से 14 दिन के लिए, समझते जाइएगा 4% है अल्पकालिक ऋण है, अल्पकालिक मतलब 1 से 14 दिन के लिए और आरबीआई से बैंक लेता है, किस रिस्पेक्ट में लेता है, किसके मतलब आप किसी से पैसा लेने जाएंगे कोई भी दे देगा, ऐसा तो देता नहीं है, जरूर कोई ना कोई कुछ चीज़ें वो आपसे लेगा तब उसके एवज में लेगा, तो यहाँ किस चीज़ में लेता है सरकारी प्रतिभूति के एवज में, सरकारी प्रतिभूति के एवज में, ठीक, सरकारी प्रतिभूति के एवज में लेता है। जैसे आपको ये मैं बताऊं कि SBI है, ठीक, SBI ने RBI से एक धन उधार लिया सरकारी
प्रतिभूति को गिरवी में रख करके। तो ये जो धन उधार लिया है इस पे जो उसको ब्याज लगा, ये जो ब्याज है यही आपका क्या है, रेपो रेट है। ये ब्याज क्या है आपका, रेपो रेट। जो SBI RBI से धन ले रही है, सरकारी प्रतिभूति को रख करके धन ली, इस धन पे जो उसे ब्याज देना पड़ा, इस ब्याज को आप क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, समझ में आए। अब एक चीज़ ये बताइए कि बैंक रेट क्या था, हमने अभी आपको बताया था बैंक रेट क्या, यहीं से डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं बैंक रेट क्या था। बैंक रेट भी कितना था, 4.25%। अब ये बताइए बैंक रेट 4.25%, ये अल्पकालिक ऋण था, ये क्या था, दीर्घकालिक ऋण था। और यहाँ भी RBI से बैंक लेता था, यहाँ भी RBI से ले रहा है, बैंक ले रहा है, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एवज में है, बट यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे 4% है और यहाँ पे इसका रेट 4.25% है। डिफरेंट समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका रेपो रेट और बैंक रेट में ये आपका डिफरेंट भी हो गया, इसी लग ले। अब आप ये यहाँ पे ये देखिए कि जो आपका रेपो रेट आप बढ़ा रहे हो, अगर मान लो रेपो रेट बढ़ा तो इसका इफेक्ट क्या है, ये आपका है रेपो रेट, ठीक। और रेपो रेट को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो RBI को बैंक को अपने जो गॉडफादर से, अपने माई बाप से जो पैसा मिल रहा है वो क्या हो रहा है, वो अधिक ब्याज पे मिल रहा है। तो जब अधिक ब्याज पे लेगा तो बैंक क्या करेगी, बैंक ब्याज के दर को बढ़ा देगी। जब बैंक ब्याज के दर को बढ़ा देगी तब क्या होगा, तब ये होगा कि लोगों का मनोबल, जनता का मनोबल कम होगा कि भैया चलो जाने दो, अभी पैसा उधार नहीं लेंगे या फिर कोई चीज़ में यूज नहीं करेंगे, मनोबल कम हो जाएगा। जब जनता का मनोबल कम हो जाएगा तो जनता के पास धन की कमी हो गई तो मांग की, जनता की मांग की कमी हो जाएगी, मांग की कमी। जब मांग की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, कीमत वो कम हो जाएगी। और जब वस्तु की कीमत कम हो जाएगी देन फाइनली क्या हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। और हमारा मुख्य टारगेट क्या था, महंगाई को कम करना। किससे क्या किया हमने, रेपो रेट को बढ़ा दिया। इस हिसाब से आप अगर देख रहे हो कि CRR SLR बैंक रेट, ठीक, रेपो रेट, इन सब को जब भी आप बढ़ा रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट महंगाई कम कर हो रही है। और महंगाई कम करना ही मुख्य कार्य क्या है, ये मेन वर्क है, ओके, किसका, RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ओके। नेक्स्ट सेशन में, अब तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा मैं ये महसूस करता हूँ, क्योंकि आज जितनी भी चीज़ें बहुत ही इकोनॉमिक्स में एकदम फ्लो चार्ट वे में बहुत कॉन्सेप्टुअल बताई गई है, इन सभी चीज़ों को ध्यान से नोट कीजिएगा स्टेप वाइज, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सीधे यूज करेगी। एक तो डायरेक्ट ऑप्शन फॉर्म में आता है, ठीक, कई बार डायरेक्ट फैक्ट वेज में यूज कर लेता है। और नेक्स्ट क्लासेज में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और अब जो क्वांटिटेटिव टूल्स जो कुछ बचे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे और क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में और बैंक्स के जैसे बेसल मानक है, सार्फेसी एक्ट है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।